कुछ बातों का ध्यान रखना है, आपने जो चॉइस फिलिंग करनी है कॉलेज वाइज और जो आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, तो एक तो है कि आपके कॉलेज वाइज सीट मैट्रिसेस डिस्प्ले हो चुके हैं, आपने उनको देखना है। उससे पहले अगर देखना चाहते हो फाइनल आंसर की, जो रिवाइज हो चुकी थी, आपने ऑब्जेक्शन किए थे उसके बेस पर रिवाइज हो चुकी है, आपके अंक पता चल जाएंगे, लेकिन 8 तारीख को रिजल्ट आ रहा है, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये कॉलेज वाइड सीट मैट्रिसेस को, इसमें बताऊँगा मैंने अच्छा कैसे देखनी है। आपने एरिया वाइज जहाँ आप रह के बीएड करना चाहते हो वो कॉलेज की इर्द गिर्द आपने लिस्ट बनाई होगी, तो यहां क्लिक करोगे, ये हो गई आपकी पंजाबी यूनिवर्सिटी, फॉर एग्जांपल पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में जाना है, फॉर एग्जांपल आप फरीदकोट के पंडित चेतन देव गवर्नमेंट कॉलेज फरीदकोट में सीट लेना चाहते हो, तो उसकी सीट मैट्रिसेस यहां खुल जाएगी। सीट मैट्रिसेस जानना आपके लिए जरूरी है, दैट इज व्हाई यूनिवर्सिटी ने, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी ने पहले डिस्प्ले किया हुआ है। यहाँ पर इन्फॉर्मेशन है, वो आपने स्टडी करनी है, उसके मुताबिक आपने कॉलेज प्रेफरेंस सब्जेक्ट प्रेफरेंस फिल करनी है। ऐसे एक कॉलेज है, ऐसे आपने 4, 5, 6, 7, 8, 10 तक आप कर सकते हो। इनटेक कितनी है पता चल जाएगा, ऐसे 100 है, मैनेजमेंट कोटा कोई नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज है, को एजुकेशनल है, लड़के भी फिल कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो 3 साल आपने दूसरा सब्जेक्ट अगर पढ़ा है, मान लीजिए इकोनॉमिक्स पढ़ा है, तो माइनर यहाँ पर है, इंग्लिश यहाँ पर है, माइनर सब्जेक्ट ये देखना है कि माइनर सब्जेक्ट वो हैं जो मैंने 3 साल 3 ईयर्स पढ़े हुए हैं। हिंदी है यहाँ पर, लाइफ साइंस माइनर है, मैथमेटिक्स माइनर है, फिजिकल साइंस माइनर है, पंजाबी माइनर है, तो ये गवर्नमेंट कॉलेज अच्छा है, इसमें काफ़ी माइनर हैं। गवर्नमेंट कॉलेज जलंधर में देखेंगे आपको माइनर सब्जेक्ट 3 कॉलेज 3 सिर्फ मिलेंगे। तो ये तो हो गई कि आपका जो अगर बनता है, फॉर एग्जांपल आप फिजिकल साइंस लेना चाहते हो और वो यहाँ अवेलेबल है, कोई इंग्लिश लेना चाहता है वो यहाँ अवेलेबल है, तो दैट इज़ वाई आप इस कॉलेज को प्रेफर कर सकते हैं। लेकिन जो ये माइनर सब्जेक्ट है कॉलेज ने प्रोवाइड करने हैं, जब आप कॉलेज एडमिशन हो जाएगी, एलोकेशन हो जाएगी, उससे पहले आपको यूनिवर्सिटी ने अलॉट मेजर सब्जेक्ट करना है जो आपने 3 साल पढ़ा है। प्लीज़ नोट कर लीजिए, जो 3 साल पढ़ा है उसी को मेजर सब्जेक्ट फिल करना है, कैफे वाले से फिल करवाना है, तो अच्छी तरह खुद समझ लेना है, अदरवाइज किसी कॉलेज से गाइडेंस लीजिए, कॉलेज से भी गाइडेंस लेने से ज़्यादा ज़रूरी है। जो वीडियो डाले हुए हैं पीजीटी के, टीजीटी के भी डाल देता हूँ, जिनमें ये बताया गया है कि जॉब, गवर्नमेंट जॉब में पंजाब लगने के लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, उसमें 3 साल बार बार लिखा है, इलेक्टिव सब्जेक्ट बार बार लिखा है, और मार्क्स कितने गेन होने चाहिए बार बार लिखा है। यहाँ सिर्फ आप उसका फ़ायदा उठा सकते हो कि 3 साल चाहिए। तो यहाँ अवेलेबल कौन से हैं, गवर्नमेंट कॉलेज फरीदकोट में कंप्यूटर साइंस है, 5 सीट हैं टोटल इसकी कंप्यूटर साइंस की, और पंजाब कोटे की 4 हैं, इकोनॉमिक्स की 10 हैं पंजाब कोटे की, 8 हैं हिस्ट्री की, 10 है पंजाब कोटे की, 8 है लाइफ साइंस की, 20 है, 17 है पंजाब कोटे की, मैथमेटिक्स की 5 हैं, 5 ही है पंजाब कोटे की, फिजिकल एजुकेशन की 10 है, 8 हैं पंजाब कोटे की, फिजिकल साइंस है 15, 13 है पंजाब कोटे की, और सोशल स्टडीज़ है 25 सबसे ज़्यादा, 22 है जो पंजाब कोटे की, बाकी बाइफरकेशन आप अपनी कैटेगरी के मुताबिक यहाँ से स्टडी कर सकते हो, खुद भी यहाँ साइट पर जाके देख सकते हो, टोटल 100 सीट्स हो गई हैं। तो ये देख लेना कि ये कॉलेज अगर आपको सूटेबल है, इस वीडियो में मैंने गवर्नमेंट कॉलेज के ही जिक्र करना है इसलिए बनाई है, लेकिन साथ साथ में वो गाइडेंस दे रहा हूँ जिससे आपका नुकसान ना हो जाए, गवर्नमेंट जॉब की तरफ आप बढ़ सको। नेक्स्ट कॉलेज देख लेते हैं कोई और, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला का, फिर वहाँ वहीं जाएंगे, है ना। आप तो नज़दीक वाले देखोगे, मैं वैसे गवर्नमेंट कॉलेज दिखा रहा हूँ। मान लीजिए स्टेट कॉलेज है, स्टेट कॉलेज के काफ़ी बार बार बच्चे पूछते हैं, स्टेट कॉलेज का खुद ओपन कर सकते हैं। किसी और कॉलेज का आप जानना चाहते हो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं वो कर दूंगा, भेज दूंगा ऐसे बना के आपको। स्टेट कॉलेज कहाँ गया भैया, ये रहा स्टेट कॉलेज ऑफ एजुकेशन पटियाला, उसकी जो सीट मैट्रिसेस है डिस्प्ले हो जाएंगी, नंबर ऑफ सीट्स हैं, टोटल इनटेक 150 हैं, मैनेजमेंट कोटा नहीं है, गवर्नमेंट कॉलेज है, को एजुकेशनल है, बॉयज़ जा सकते हैं, माइनर सब्जेक्ट ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, कंप्यूटर एजुकेशन माइनर है, इकोनॉमिक्स है, इंग्लिश है, हिंदी है, लाइफ साइंस है, मैथमेटिक्स है, फिजिकल साइंस है, पंजाबी हैं, गुड। और कॉमर्स की इनटेक है, मेजर सब्जेक्ट ये आ गए है ना जो यूनिवर्सिटी ने देने हैं, 15 है, 13 है पंजाब कोटे की, कंप्यूटर
की 10 सीट्स हैं और 8 हैं पंजाब कोटे की, इकोनॉमिक्स 10 हैं 8 है पंजाब कोटे की, फाइन आर्ट्स है 10 पंजाब कोटे की। क्यों पंजाब कोटा बार बार बता रहा हूँ, मोस्टली पंजाब कोटे के हैं जो आपको वो वाली सीट के लिए आप फाइट नहीं कर सकते, वो 15% जो हैं आउट ऑफ पंजाब के लिए है, तो बाकी आउट ऑफ पंजाब वाले देख सकते हैं, बाइफरकेशन आपके सामने है। ज्योग्राफी की 10 सीट्स हैं यहाँ पर, देखिए ज्योग्राफी भी है और मेरे ख्याल में इकोनॉमिक्स भी है, ये इसकी जगह पर आपको एक ही साइंस के साथ अगर पढ़ी है, सोशल साइंस भी पंजाबी यूनिवर्सिटी देती है, यहाँ ज़्यादा ऑप्शन है आपके पास। ज्योग्राफी की 10 सीट्स हैं और 8 सीट्स हैं पंजाब कोटे की, होम साइंस की 10 है 8 है पंजाब कोटे की, लाइफ साइंस की 13 है 11 हैं पंजाब कोटे की, मैथमेटिक्स की 16 है 14 है पंजाब कोटे की, म्यूज़िक की 10 है 9 है पंजाब कोटे की, फिजिकल एजुकेशन की 10 है 9 है पंजाब कोटे की, फिजिकल साइंस की 16 है 14 है पंजाब कोटे की, और सोशल स्टडी की 20 है 17 है पंजाब कोटे की। ये है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन जो था, जैसे स्टेट कॉलेज कहते हैं, बाकी रिजर्वेशन आप देख सकते हो, बड़ा कॉलेज है 150 यहाँ पर सीट्स हैं। इसके अलावा और कोई कॉलेज आप देखना चाहते हो, हम जाते हैं गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में जलंधर में, बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, जी से आता है, जी के लिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ, एम दिखाई दिया मुझे, एस आ गया और यहाँ पर मुझे दिखाई दिया ये रहा जी, जी फॉर गवर्नमेंट कॉलेज, और ये डिस्प्ले हो गया 100 सीट्स हैं, को एजुकेशनल है, मैनेजमेंट कोटा नहीं है, ये दिस इज़ द लिमिटेशन ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज जलंधर, ओनली इंग्लिश माइनर इज अवेलेबल, ओनली पंजाबी एंड मैथमेटिक्स। अगर आप हिंदी, मान लीजिए अब ध्यान से देखना, अगर आप हिंदी इलेक्टिव पढ़ चुके हो और आप चाहते हो कि मैं गवर्नमेंट कॉलेज में जाऊंगा, क्योंकि 4 सेमेस्टर की 40,000 से 50,000 के करीब इनकी एडमिशन फीस होगी, है ना, 10-12 हज़ार के करीब हर सेमेस्टर की, तो यहाँ पर क्या है कि आपको लेकिन वहाँ हिंदी नहीं मिल रहा। यहाँ मैं सुजेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए जाना चाहते हो, गवर्नमेंट जॉब यहाँ लिख दिया उसके लिए जाना चाहते हो, और मान लीजिए ये आपकी चल रही है बीएड, शुरू हो गया एक साल और ये हो गया दूसरा साल, और ये दूसरे साल के ख़त्म होते यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब आ गई, तो अभी आप क्या कर रहे हो कि गवर्नमेंट कॉलेज में आप पढ़े थे, वहाँ हिंदी नहीं थी, मैंने पंजाबी ले ली थी, अब मैं बीएड का एडिशनल दे रही हूँ, यहाँ से बीएड का ये रहा एडिशनल शुरू हो गया, अब एडिशनल शुरू होगा एक सेमेस्टर, दो सेमेस्टर, तीन सेमेस्टर ये लगेंगे, उसके बाद आप एलिजिबल होगे और गवर्नमेंट जॉब की जब तक सस्रीकाल हो जाएगी, मतलब कि गवर्नमेंट जॉब जब तक आपकी वेट नहीं ना करेगी, ये पॉसिबिलिटी है। तो अभी अगर आप हिंदी लेते हो लेकिन गवर्नमेंट जॉब कॉलेज की जगह कोई और कॉलेज ले लेते हो, तो आप बीएड करते सार ही हिंदी के लिए एलिजिबल है, हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं तभी गवर्नमेंट जॉब आए, हो सकता है यहाँ गवर्नमेंट जॉब आए और आप, ये मैंने बताना है, डिसीजन आपका रहेगा, तो आप बीएड करते सार ही हिंदी के लिए भी एलिजिबल हो, एसएसटी के लिए भी एलिजिबल, जो भी आपका मेजर सब्जेक्ट है, ये माइनर सब्जेक्ट की बात है। गवर्नमेंट कॉलेज में ये अवेलेबिलिटी कम है जलंधर में, ये मैं बात बताना चाहता था। अगर एडिशन की बात करते हैं तो आप बीए का एडिशन बीएड के साथ दे सकते हो, लेकिन बीएड का एडिशन बीएड के बाद ही करोगे, ये बात भी पक्की है। तो इसलिए माइनर सब्जेक्ट देखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ अब क्या होगा, मान लीजिए आपने ये नहीं देखा, है ना, आपने एसएसटी फिल कर दिया, एसएसटी में आपको सीट मिल गई, गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो गया, वहाँ जाके कह रहे हो सर मुझे हिंदी चाहिए साथ में, मैंने इलेक्टिव पढ़ी है, वो कहते वो तो अवेलेबल ही नहीं है, दैट इज़ वाई आपको अभी से देखना होगा। फिर आप फंस गए, आप वापस जाओगे जब कॉलेज शिफ्ट करोगे, नॉर्मली हम पैसे में इसमें फंस जाते हैं और सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन का गलत डिसीजन ले लेते हैं। मैं कहता हूँ ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर आप गवर्नमेंट जॉब, अगर नहीं चाहते प्राइवेट में करना चाहते तो कोई ऐसा बड़ा नहीं है, फिर भी आपका डिसीजन है। अब कंप्यूटर की हैं 15, 13 पंजाब कोटे की हैं, फाइन आर्ट्स की और आर्ट्स की है 10, 9
पंजाब कोटे की हैं, होम साइंस की 10 है, 9 है, पंजाब कोटे की लाइफ साइंस की 15 है, 12 है, पंजाब कोटे की म्यूजिक की 10 है, 9 है, पंजाब कोटे की फिजिकल एजुकेशन की 10 है, 7 है, पंजाब कोटे की फिजिकल साइंस की 15 है, 13 है, पंजाब कोटे की सोशल स्टडी की 15 है, 13 है, पंजाब कोटे की टोटल 100 सीट होगी, 85 पंजाब कोटा हो गया। बाकी की वेरिफिकेशन कैटेगरी वाइज आप यहाँ से देख सकते हो। तो ये रहे गवर्नमेंट कॉलेज। किसी और कॉलेज के बारे में आप जानना चाहते हो कि उसकी सीट मैट्रिक्स क्या है, पर्टिकुलरली प्लीज कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि माइनर सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन जरूर जान लीजिए, ये ज़रूरी है। और कोई और कॉलेज चाहिए प्लीज़ उसका फुल नेम बताइए, शुरू कहाँ से होता है नाम, तो उसका निकाल के यहाँ वीडियो डाल दूंगा। कोई गाइडेंस चाहिए हो आप पूछ सकते हो, सभी क्वेश्चन नहीं, अभी तो ग्रुप में क्वेश्चन डाल रहा हूँ, तो उससे गाइडेंस आपको मिलती है, बेटर है। जो अवेयर हैं वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जो नहीं अवेयर हैं वो नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन अवेयर होके ही गवर्नमेंट जॉब तक जाया जा सकता है, ये बात है। तो गवर्नमेंट जॉब देखिए, एक बात जाते जाते बता दूं, चलो नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ कि कितनी मेरिट जा रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे ख्याल में यहाँ पर होगी ये रही है ना, ये देखिए मेरे पास SST की मेरिट लिस्ट है, जो 145 गेन की है, जो टॉपर है 150 में से। तो सिलेक्शन टेस्ट में इतनी मेहनत करनी पड़ती है ना, तो इसको माइंड में रखना होगा। इसके लिए क्या करना होगा, आपको TET भी अभी करना होगा साथ साथ में ही, और सिलेक्शन टेस्ट की भी तैयारी करनी होगी। अगर साथ साथ चलना चाहते हो, SST की भी तैयारी करवाऊंगा, PSTET की, CTET की भी, तो साथ जुड़ सकते हैं। लेकिन मुझे फीडबैक चाहिए कि आपको क्या चाहिए, प्रॉब्लम क्या है, क्वेश्चन क्या है, वो आप भेजिए, है ना। थैंक यू।